अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। ये जो वीडियो आएगा हमारा ईद पे आएगा, तो मैंने कहा चलो ऊपर जो मैसेज है वो हम लोग डिलीवर कर देंगे, बिकॉज मैंने पहले वीडियो शूट कर दिया था। तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल करे और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत में रखे और हर साल हम लोग मिलजुल के ये साथ में मिलजुल के बनाए। चलिए बस हमारा वीडियो अब स्टार्ट हुआ। मैं हूं शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह यार, आप लोगों की बहुत दुआ है कि हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, व्यूज बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज जोधपुर में हम ना सिर्फ छोटी मोटी जो कार्ट्स है या जो जबरदस्त खाना सर्व करते हैं उनको ही नहीं, हम लोग सब रेस्टोरेंट को कवर करते हैं, सब चीजों को कवर करते हैं, हाईवे टावर्स को कवर करते हैं आपके लिए। हम लोग जोधपुर छोड़ के भी जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम लोग जाएंगे आपको जबरदस्त फास्ट फूड ट्राई करने के लिए। आज हम लोग जाएंगे कनुप्रिया फास्ट फूड, जो कि लोकेटेड है अपने प्रताप नगर, ये शॉपिंग चौक है अम्बेडकर पार्क के सामने वाली गली में। यहाँ से अपन जाएंगे बॉम्बे मोटर से अपन जाएंगे अखलिया से अपन सूरसागर की तरफ टर्न करेंगे और प्रताप नगर की तरफ हम लोग जाएंगे। वहां पे मैंने सुना है यार मोमोज बहुत जबरदस्त मिलते हैं, पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है, सैंडविचेस काफी जबरदस्त हैं और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप जहाँ चीप खाना मतलब मिलता है वहाँ पे क्वालिटी नहीं होती, लेकिन आप यकीन माने यहाँ पे जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे आपको प्राइस के साथ साथ में क्वालिटी भी जबरदस्त मिलने वाली है। आप चलिए और आप वहाँ जाके आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त वो लोग खाना सर्व कर। चलिए सीधा चलते हैं कनुप्रिया फास्ट फूड सेंटर प्रताप नगर और वहाँ चल के बात करते हैं। ये देखिए प्रताप नगर में हम लोग यहाँ अभी राइट टर्न करेंगे और कृष्णा ऑटो सेल्स वाले जो हैं, जो कि मारुति की जो डीलरशिप है वहाँ पे हम लोग टर्न कर रहे हैं। बस देखिए ये हम लोग मीटर के आगे जाके अपन लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। चलिए सर, मेरे पास ये देखिए चालू हो गया, नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ यार। नहीं कौन को नेविगेशन यूज करता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जोधपुर के अंदर, हाँ जोधपुर में लेफ्ट टर्न करेंगे। ये चौक आ गया, देखिए कहाँ है सामने ये देख कनुप्रिया फास्ट फूड, पानी पूरी 10 के 5, सैंडविच 50 के, पिज्जा 100 का, क्या बात है, देखिए जबरदस्त अच्छा बनाया हुआ यार, एक नंबर। नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो पूरी लोकेशन मैंने समझा दी है कि हम लोग कैसे आए, कैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं और पूरी इनका जो एक ये अम्बेडकर पार्क का जो गूगल का जो लिंक है वो हम लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल हम लोग आए हैं कनुप्रिया फास्ट फूड यहाँ पे मैं आया था, मैंने यहाँ पे ओनर से बात की है। फास्ट फूड के साथ साथ में आपको चाट भी मिलेगी, पपड़ी चाट इनके पास में है, कटोरी चाट है और जो प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल है और साथ साथ में जो इन्ग्रीडियंट्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैंने इनसे फ़ोन से बात की थी, वो भी सारी टॉप क्वालिटी की। चलिए यहाँ के जो ओनर उनसे बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप सर? जो उसमें क्लब पिज्जा जो आपको डोमिनोज में करीबन 300 रुपए का है, अपने यहाँ पर 150 रुपए। क्या बात है, वो तो फिर हम लोग ट्राई करना जरूर जरूर है। नहीं जो डोमिनोज वाले स्टाइल का पिज्जा डोमिनोज आप दे रहे हैं, बस उसका जो स्टाफ से है ना वो खुद बनाते हैं, अपन रेडीमेड लेकर आप रेडीमेड लेके आते हैं बस। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा आपकी जो प्राइसिंग है वो काफी रीजनेबल है ना, बहुत रीजनेबल। अब जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, एक तो मैं आपका पिज्जा ट्राई करूंगा जरूर, एक हम लोग आपकी पपड़ी चाट भी ट्राई कर लेंगे आप, एक सैंडविच भी ट्राई करेंगे और मैं सुना आप मोमोज भी रखते हैं। मोमोज रखते हैं। मोमोज कितने के? 40 रुपीज के 10। 10 पूरे जोधपुर में ये रेट कोई भी नहीं देगा, 40 रुपीज के 10। उसके साथ में 3 चटनी आएंगी, रेड चटनी, ग्रीन चटनी और व्हाइट मेयोनीज। क्या बात है यार, वैसे अपना नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम पवन चौहान है। पवन चौहान जी, आपका नेचर बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपको भगवान और तरक्की दे। मैं पूरा मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे आए, मेरे जो कैमरामैन को बोलेंगे कनुप्रिया चाट एंड फास्ट फूड के नाम से रेगुलर आइटम इनके पास में, देखिए पपड़ी चाट 40 की है, कटोरी चाट 50 की है,
चना चाट मिल जाएगी आपको, भेलपुरी मिल जाएगी यहाँ पे, मोमोज इनके पास, पनीर मोमोज भी है अपने पास। पनीर मोमोज अभी अवेलेबल नहीं है, आज ही आपने स्टार्ट किया ना मोमोज। अभी फिलहाल हम लोग इनके 40 रुपीज में 10 पीस वाले वेज मोमोज ट्राई करेंगे। और साथ साथ में देखिए इनको यहाँ पे भेलपुरी का भी सब प्राइस प्राइस यहाँ पे लगी हुई है। और पवन जी नाम है, पवन जी सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे सर आपको? सबसे पहले हमें मोमोज के मोमोज मुझे ट्राई करें, ठीक है? चलो तो पवन जी सबसे पहले हमारे लिए मोमोज लगाने। सर अपने कोई शॉप को कितना टाइम हो गया सर? हाँ शॉप को अपने हो गए 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। और मैं सुना काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, 2-3 मेरे मिलने वाले उन्हें वो आप भाइयों की आशीर्वाद और दूसरा भाइयों का प्यार। हाँ नहीं नहीं और भगवान की भगवान की कृपा वो इम्पोर्टेंट है, नहीं दुआ के साथ साथ ऊपर भी ऊपर वाला मेहरबान होना चाहिए। चलिए सब बस हमारे जो मोमोज खोल के दिखाओ पैसे एक बार। ये देखिए ये मोमोज आपने खुद बनाते हैं या ले जाते हैं? नहीं 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 हम खुद ही बनाते हैं घर पे और लिमिटेड प्लेट बनाते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट किया है ना, तो आज मैं 10 प्लेट बना के लाया था उसमें से 2 प्लेट बची। 2 प्लेट बची कोई एक बार फिर से बोल दो। तो ये यूजुअली क्या है, मैंने काफ़ी जगह शूट किया वो लोग रेडीमेड मोमोज लेके आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कनुप्रिया चाट एंड फूड पाएंगे तो आपको घर वाले जो मोमोज देते हैं वही यहाँ मिलेंगे आपको। शेजवान सॉस ये आप खुद ही बनाते हैं? ये घर पे बना हुआ है। और ये ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी। दही के साथ, दही के साथ में, अरे यार क्या बात है जबरदस्त, माशाल्लाह काफी जबरदस्त लग रहा है यार। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, हम लोग कनुप्रिया चाट एंड फूड का हम लोग इनके जो मोमोज है वो ट्राई करेंगे। आप यकीन माने ये जो चीज़ मुझे दी उन्होंने मात्र 40 रुपए में 10 पीस और साथ साथ में 3 डिप दिए, एक तो मायनीज वाला, एक ग्रीन चटनी के साथ में इन्होंने कर्ड मिक्स किए और एक इनकी घर की बनी हुई शेजवान सॉस। चलिए मेरी फेवरेट जो है वो शेजवान सॉस है तो मैं उसके साथ में ट्राई करूँगा। अगर आप कोटिंग की बात करेंगे तो काफ़ी पतली कोटिंग है जिसकी वजह से क्या है जब मोमोज में पतली कोटिंग होती है तो उससे उसका जायका थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये जो मोमोज है ना ये घर के बने हुए, यूजुअली क्या होता है कि मार्केट में मिलते हैं, मार्केट से लोग लेके आते हैं और यहाँ पे लाके बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कनुप्रिया वालों ने अपने घर पे बनाए हुए मोमोज यहाँ पे सर्व करें। चलिए साहब एक नंबर यार माशाल्लाह। अब ग्रीन चटनी से ट्राई करता हूँ, ग्रीन चटनी भी इनकी एक नंबर बनी हुई है और शेजवान सॉस भी एक नंबर। इसमें थोड़ा गार्लिक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स में आ रहा है जिससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया। और आप चटनी की बात करेंगे कि उन्होंने कर्ड मिक्स करके जो जायका तैयार किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। 40 रुपये में ये चीज़ आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं पवन जी और हमारे क्या बनाते हैं। पवन जी सिर्फ खाना नहीं बनाते हैं, स्कूल वो कॉलेज में लेक्चरर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं, स्केच भी बनाते हैं, तो वो भी वो जो 2-3 चीज़ें जो उनमें टैलेंट है वो भी हम लोग जब ये सैंडविच बनाएंगे तो उनसे बात करेंगे। चलिए पहले पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या पहले पिज़्ज़ा बनाएंगे या पहले सैंडविच बनाएंगे। तो पवन जी आप ये हमने मोमोज तो ट्राई कर लिए, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त और जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी रीजनेबल थी, मतलब 40 रुपये में 10 पीस तो कोई नहीं दे रहा है। अपन क्या लगाएंगे सर नेक्स्ट? लगा रहे अपन पनीर सैंडविच जी जी विद एक्स्ट्रा चीज़, उसके अलावा लगाएंगे अपना यहाँ का कनुप्रिया स्पेशल पिज्जा, पिज्जा जो कि आपके क्लब पिज्जा है उसमें सब चीज ओवरलोड है, उसमें
वेजिटेबल्स आ जाएंगी जी जी, टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया और कैप्सिकम हो गया, उसके अलावा पनीर है और ऑलिव है। और वो जो पिज्जा आप लगा रहे वो डोमिनोज में कितने का मिलता है? 7 इंच पिज्जा अगर क्लब पिज्जा आप लेने जाओ तकरीबन 279 से नीचे नहीं, नीचे है। नहीं। और अपने यहाँ कितने का है? अपने यहाँ पर 150 का। 150 का तो दोनों अपन साथ में लगाएंगे, देखिए दोनों साथ में लगा के। ये सॉस का बता दो भाई साहब, कौन सी सॉस है ये? ये जो है ये सैंडविच सॉस है, ये पिज्जा पास्ता सॉस है जी जी। उसके अलावा तंदूरी लगाए और मैंने पनीर इसमें ऐड किया। ठीक है सर, आप अपन लगाते हैं ना पनीर और ऐड कर दो। क्या डाला आपने? टोमेटो, टमाटो चला गया और कैप्सिकम जाएगी इसमें, शिमला मिर्च। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कुछ भी कटिंग करके नहीं रखी है, हाथों हाथ ये वेजिटेबल्स कट करें ताकि जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे। माशाल्लाह क्या बात, जो सैंडविच का जायका है वो फ्रेश में ही आता है। अगर आप थोड़ी देर बाद में खाते हो तो भी मज़ा नहीं आता, ठंडा होने के बाद में भी इतना मज़ा नहीं आता। सही है, टमाटर चला गया, अच्छा ब्रेड अपन कौन सी यूज करते हैं सर? हस्किन की, दिखाओ मुझे एक बार पैकेट, ये देखिए मतलब हस्किन ब्रेड है। प्राइसिंग काफी रीजनेबल, लेकिन जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से लोग यूज कर रहे हैं, देखिए ये हस्किन की पूरी ब्रेड ही लोग यूज कर रहे हैं, क्या बात है। मॉडर्न चीज है, ये सैंडविच आपको खाना है तो आपको यहाँ पे 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। और हम लोग फिलहाल है कनोपिया चाट एंड फूड सेंटर, जो कि यहाँ पे प्रताप नगर में लोकेटेड है, शॉपिंग चौक में, शॉपिंग सेंटर चौक, शॉपिंग सेंटर चौक में। दो स्लाइस चलेगी इसमें यार, क्या बात है। आप ये देखिए उसके अलावा आएगा अमूल, अमूल का बटर, अच्छा वो भी आप ग्रेड करके डालेंगे इसमें। हाँ। अरे यार क्या बात है, सामने से हटो, सामने से ऑलरेडी के सर्विसेज करके, और ये हमारा भी चला गया, बहुत जबरदस्त। जो लेयर है वहाँ पे भी हम लोग इसमें चीज सॉरी जो अमूल बटर है वो ग्रेड करके पिज्जा पास्ता सॉस ऑलरेडी इन्होंने इसमें लगा दी है। अब इसमें क्या जाएगा सर? इसमें आएगा अपने इसका मोज़रेला चीज जो है डेल इसका गुडरिच का, गुडरिच वाला। देखिए अब इसमें चलेंगे अनियंस, और इसमें जाएगी प्रोसेस चीज, पहले मोज़रेला लगी अब प्रोसेस चीज जाएगी इसमें। देखिए इसमें फ्रेश पनीर, क्या बात है, जाएंगे ब्लैक ऑलिव्स।
अब हम लोग इसको ओवन में बेक करने के लिए छोड़ देंगे। ये हम लोगों का जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है। पवन जी ने बहुत ज़बरदस्त सैंडविच लगाया और ये चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको कनुप्रिया चाट एंड फूड पाना पड़ेगा। और ये चीज़ देखो आपको सिर्फ 80 रुपये में मिलेगी यार। क्या चलिए साहब बस ये हो गया रेडी, हम लोग इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं हमको इसको ट्राई करके। ये तंदूरी सॉस चली गई। टमाटो सॉस और चीज जाएगी इसमें, मतलब बस 80 रुपए में पवन जी ने पूरा फुली लोडेड सैंडविच दिया, कोई कंजूसी नहीं की। ये देखिए 3 स्लाइस का है और अंदर इसमें चीज स्लाइस भी है, ऊपर भी चीज़ है, सब जगह चीज़ है, बटर है इसमें, ज़बरदस्त। रेडी साहब ये? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। इनके मोमोज ट्राई किए जो कि वाकई में काबिल तारीफ थे। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप ये लोग इतना सस्ता खाना कैसे सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ ना तो पूरी इन्होंने क्वालिटी से खाना बनाया और सबसे बड़ी बात आपके सामने खाना बनाया। तो इन्होंने जो चीज़ यूज़ की, अमूल बटर यूज़ किया, उसके बाद में ये 80 रुपये में आपको इतना ज़बरदस्त सैंडविच ये लोग सर्व करें। चलिए इनका सैंडविच ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त फुली लोडेड है यार, चेक करो ना, देखो अल्टीमेट यार। इन्होंने जो सॉस और तंदूरी सॉस और साथ साथ में जो उन्होंने पनीर यूज़ किया ना, उससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया। और पनीर की जो क्वालिटी ना वो सुपर सुपर फ्रेश है, बिल्कुल भी पनीर हार्ड नहीं है, टूट नहीं रहा। और ब्रेड इन्होंने जो ग्रिल की ना उस एकदम परफेक्टली ग्रिल हुई। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ग्रिल करते थे तो उसमें क्या खरासपन आने लग जाता सैंडविच में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, खुशबूदार सैंडविच, मज़ा आ गया। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इनका जो पिज़्ज़ा है वो भी ट्राई करेंगे, रिव्यू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में भूल गया था, इन्होंने जो अमूल बटर जो ग्रेट करके जो ग्रिल में डाला ना, उससे इसका जायका और ज़्यादा वो बढ़ गया। जो अमूल बटर की जो खुशबू आ रही ना, वाकई में काबिल तारीफ है। तो ये मैंने एड ऑन कर दिया बिकॉज पहले मैं भूल गया था, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे उन्होंने ग्रेट करके डाला इससे जायका और ज़्यादा बढ़ गया। चलिए साहब बस हम लोग पिज़्ज़ा का वेट करते हैं, वैसे भी एक और बना देना ये तो मैं खा लूँगा। मैंने यहाँ पे इनका मोमोज ट्राई किया, फिर हम लोग इनका जो सैंडविच है वो ट्राई किया। सैंडविच मैंने पूरा खा लिया, मोमोज भी पूरे खा लिए थे, सब चीज़ें पूरे खा लिया और एक हमने घर के लिए पैक भी कराया सैंडविच। तो अब हम लोग इनका जो पिज़्ज़ा है वो ट्राई करते हैं। देखिए नीचे से परफेक्टली हो गया है, ऊपर से भी काफ़ी क्रिस्पी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए चीज़ पूरी मेल्ट हो रही है, वाकई में लाजवाब। चलिए सब पिज़्ज़ा भी एक नंबर। सबसे बड़ी बात मेरे को ये अच्छा लगा कि इन्होंने जो पनीर जो यूज़ किया ना, चाहे अगर आप सैंडविच की बात करें या पिज़्ज़ा की बात करें, पनीर बहुत ज़्यादा फ्रेश है। देखिए मैंने दिखा था आप लोगों को, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग इनका जो पपड़ी चाट ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। चलिए बस समझ चलते हैं। लोगों को पता ही कि आज हम लोग यहाँ पे आए थे कनुप्रिया फास्ट फूड पे इनका फास्ट फूड ट्राई करने के लिए। पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी और साथ साथ में इनके जो भी जायके वो भी हम लोगों ने ट्राई किए। यहाँ पर आपको बहुत सी वेराइटी का फास्ट फूड मिल जाएगा और साथ साथ में चाट भी मिल जाएगी, लेकिन 40 रुपये में आपको 10 पीस मोमोज जोधपुर में कहीं नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और सैंडविच की बात करेंगे तो वो भी आपको यार 80 रुपये में जो पवन जी ने सैंडविच खिलाया ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो मैं जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़बरदस्त ये फास्ट फूड ट्राई करना है और बहुत ही कम प्राइस में, तो आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।